शहर के बड़ा ताजबाग दरगाह कमेटी की ओर से दरगाह में मौजूद अनाज परिसर के लोगों को और जरूरतमंद लोगों को बांटा गया। कोरोना के चलते शहर में लॉकडाउन कर दिया गया है। सभी निजी कार्यालय हो, मजदूर हो, किसी को घर से निकलने की अनुमति नहीं है। केवल अत्यावश्यक सेवा दे रहे कर्मचारी ही काम पर जा रहे हैं। ऐसे में गरीब मजदूर जरूरतमंदों को बड़ा ताजबाग दरगाह परिसर में अनाज का वितरण किया गया। इस वक्त पूरा विश्व नहीं, पूरा देश नहीं, सिर्फ नागपुर नहीं तो हम सभी कोरोना नामक कोविड-19 नामक महामारी से त्रस्त है। हमें प्रशासन की तरफ से और सभी की तरफ से आदेश दिए जा रहे हैं कि हम लोग अपने घरों में ही रहें, लेकिन उन लोगों का क्या जो दिन की मेहनत करते हैं, रात को अपने घर में पैसा लाते हैं और खाते हैं, लेकिन इंसानियत आज भी जिंदा है। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट में, जहाँ पर बस्ती के लोगों के लिए, उन तबके के लोगों के लिए जो कुछ नहीं ला सकते, अपने पैसों की किल्लत है, खाने पीने की माने तक नहीं ला सकते, इन लोगों के लिए ट्रस्ट की ओर से जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही, आइए हम उन पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर आप मेरे साथ में देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रस्ट की ओर से खाने पीने की चीज़ों को पैक कराया जा रहा है। 3 दिन से लगातार बस्ती के लोगों को, ज़रूरतमंदों को यहाँ से ये चीज़ें जो है मुहैया कराई जा रही हैं। सभी यहाँ पर जो ट्रस्ट के लोग हैं, सभी ट्रस्ट के जो कार्यकर्तागण हैं, ये 3 दिन से लगातार जैसे प्रशासन की ओर से बंद किया गया है, ये ट्रस्ट के सभी लोग यहाँ पर इस तरह से पैकिंग कर रहे हैं और घरों घरों तक ये जो है सुविधा है, ये खाने पीने की चीज़ें जो है मुहैया करा रहे, ताकि किसी भी घर में कोई भी शख्स भूखा ना सो सके। इस महामारी के प्रकोप के स्वरूप जो हालात बन पड़े हैं, उन हालातों से गुजरने का एक शक्ति उन्हें प्रदान किए जा सके। इस वक्त ट्रस्ट के कार्यकर्तागण हमारे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम अमानुल्लाह खान है, मैं ट्रस्ट का कार्यकारी सदस्य हूँ और माननीय हमारे ट्रस्ट के जो प्रशासक हैं, माननीय कुबड़े साहब, उन्होंने हमें निर्देश दिया। उनके आदेश के मुताबिक हम यहाँ पर जो भी बंद है, उसके वजह से जो लोग काम पर नहीं जा सक रहे, जिनके घर में खाने के लिए सही सुविधा नहीं है, तो ट्रस्ट की जानिब से हम यहाँ पर चावल, आटा, तेल, दाल, ये सब चीज़ें हम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से। और कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोगों तक हम पहुँच सके और जितने लोगों को हम मदद कर सके, वो दरबार और ट्रस्ट की जानिब से हम उनको मदद पहुँचा रहे हैं। किस तरह का प्रतिसाद आपको लोगों की तरफ से मिल रहा है, कैसे लोग आपको इसके लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप लोगों का क्या सहयोग आपको इसमें मिल रहा है? लोगों से काफ़ी सहयोग मिल रहा है, लोग हमारी मदद कर रहे हैं। हम जिस बस्ती में जा रहे हैं, हमारे यहाँ के ट्रस्ट के कर्मचारी लोग सभी लोग घूम रहे हैं बस्ती में, तो लोग बता रहे हैं कि किसकी हालत कैसी है। और ऐसी हालात को हम देखते हुए कि जो रोज़मर्रा का कमाने वाला है वो बाहर, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, इसकी वजह से हम लोग उसको ट्रस्ट की जानिब से चावल, दाल, तेल, आटा ये मुहैया करा रहे हैं। कार्यकर्तागण जो इस वक्त आपके साथ में मौजूद है, ये भी दिन रात पूरे कार्यकर्ता, यहाँ के ट्रस्ट के कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यहाँ लोगों को से अपील कर रहे हैं कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले, और लोग भी उसका पालन कर रहे हैं। हम लोग सब दिन रात पूरे कर्मचारी मिलकर हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये सब करने के लिए बाकी और जगह से भी आपको कोई मदद मुहैया की जा रही है, ताकि लोगों तक आप इन सब चीज़ों को पहुँचाएँ, या ये सर ट्रस्ट अपनी ओर से ही कर रहा है? नहीं, ये सिर्फ हमारी ट्रस्ट की जानिब से किया जा रहा है, बाकी लोग अपनी तरह से अपने ढंग से लोग अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन ये जो किया जा रहा है, ये हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट प्रशासक कुबड़े साहब की मार्फत से हम लोग ये कर रहे हैं यहाँ पर सब। आप बीसीएन के माध्यम से लोगों को और क्या संदेश देना, जैसे वो घर से बाहर ना निकले? अभी भी हम लोगों ने देखा है नागपुर में कई जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे लोग सुन नहीं रहे हैं, घर के बाहर आ रहे हैं, इससे तकलीफ होनी है। आज और भी हमने देखा कि नागपुर में मरीजों की संख्या बढ़ने की जो है शक्यता है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। मैं बीसीएन के माध्यम से आप लोगों से गुजारिश करूँगा, सभी नागरिकों से और मेरे भाई बहनों से, कि अपने घर से बाहर ना निकले। इस सख्ती से अगर इसका पालन करेंगे, इस बीमारी का, तो वो बीमारी बहुत जल्दी से जल्दी भाग जाएंगी। अगर अपन सख्ती से पालन नहीं करेंगे तो ये फैल ना जाए, इसलिए मैं सभी बीसीएन के माध्यम से सभी लोगों से अपील करता हूँ कि अपने घर से बाहर ना निकले।
दर्शकों, ये अमानुल्लाह खान साहब जो थे हमारे साथ में बात कर रहे थे। हमारे साथ में इनके पूरे कार्यकर्तागण हैं, दिन रात ये लगे हुए हैं। जो भी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके घर में खाने पीने की का अभाव है, ये कोशिश कर रहे हैं कि उन हर घर तक पहुँचे। यहाँ पर इन्होंने पूरी पैकिंग करके रखी हुई है और बहुत खूबसूरती से ये लोगों तक पहुँच रहे हैं, उनको खाने पीने की चीज़ें मुहैया कराए। कुछ उत्तरदायित्व सभी का होता है, एक उत्तरदायित्व हम सभी का ये भी है कि इस मुश्किल घड़ी में हम सब एक दूसरे का साथ दें, घर से बाहर ना निकले, ज़रूरतमंद चीज़ों को मुहैया कराने के लिए ये हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट जैसी संस्थाएं और भी हैं जो हमारे यहाँ हम आपके सहायता करने के लिए तत्पर है। अमानुल्लाह खान जी और इनकी टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। कितनी भी मुश्किल की घड़ी हो, इबादत भक्ति ये कभी बंद नहीं होती। दरबार मंदिर इनके दरवाजे ज़रूर बंद हो सकते हैं, लेकिन पूजा का व्यवधान कभी बंद नहीं हो सकता। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं हजरत बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में। यहाँ पर लोगों के लिए भले ही आवागमन बंद हो, लेकिन यहाँ पर रोज़मर्रा की तरह खादिम जो है यहाँ पर पूजा करते हैं, पूजा पाठ सब साफ सफाई बहुत अच्छी तरह से करते हैं। इस वक्त हमारे साथ में खादिम साहब हैं, हम उनसे बात करते हैं। खादिम साहब, किस तरह से आप दरबार का ध्यान रखते हैं? साहब, हमारा जो टाइमिंग है दरबार का, सुबह 3:30 बजे दरबार खुलता है, 12 बजे दरबार बंद होता है, 1 बजे दरबार खुलता है और रात के 10 बजे तक दरबार चालू रहता है। श्रद्धालु लोगों को कोई आ नहीं रहा है, इसके वजह से हम लोग अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं और साफ़ सफाई करके जाहिर उनको वापस कर रहे हैं, बाहर के बाहर ही, अंदर किसी को एंट्री नहीं है, हमारा दरबार बंद है। आज पूरा देश, पूरा हम सब लोग मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, हम बाबा में रात दिन दुआ मांग रहे कि बाबा, जो भी कोरोना है और भी जो बीमारी है, इस सब बीमारी को दूर करो, ये प्रार्थना बाबा से कर रहे हैं और सबके एकता के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। जो डॉक्टर लोग हम सबकी सहायता करने के लिए पूरा मेडिकल फोर्स कहिए या पुलिस प्रशासन कहिए, उनका सहयोग कर रहे हैं जी, और उनके लिए भी हमें दुआ जरूर करनी चाहिए। जी, उनका भी सहयोग कर रहे हैं हम लोग, पुलिस की भी सब चीज़ें अच्छी हो, पुलिस हमको भी सहयोग करे, हम पुलिस को सहयोग करें, डॉक्टर लोग भी आए, डॉक्टर लोगों को भी सहयोग करेंगे हम लोग। हमारे इसमें कोई किसी चीज़ की ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, बाबा के पास सब एक है, एक रहते हैं और एक तरह रहेंगे। हिंदुस्तान ये खादिम साहब थे जो हमारे साथ में बात कर रहे थे, इन्होंने किस बहुत खूबसूरती से बताया कि सारा जो प्रशासन है, दुआएँ सिर्फ लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी दुआएं की जा रही है जो लोगों की सेहत का ध्यान रखने के लिए प्रशासन के जो लोग हैं और पूरे विश्व के लिए सभी की स्वस्थ जीवन के लिए यहां पर कामना की जा रही है। इनबीसीएन के लिए रत्नाकर के साथ में विद्रभा की रिपोर्ट। 2 मिनट हमारे